में कोई विवाद हो चीज के लिए शासन द्वारा एक मीटिंग की जा रही है और ये है भी कि देखिए हम और आप सब लोग पड़ोसी हैं, अगर कोई चीज़ है तो आपके साथ समस्या होती है तो चेयरमैन साहब आपके लिए आ सकते हैं, आप चेयरमैन साहब के लिए आ सकते हैं, लेकिन 100 किलोमीटर का आदमी चाहे वो किसी भी धर्म का हो किसी भी मजहब का हो आपकी मदद के लिए आएगा, आपका पड़ोसी आएगा चाहे वो किसी धर्म का हो किसी मजहब का हो, तो किसी भी निर्णय को लेके हम लोग आपस में एक दूसरे के साथ कोई एक दूसरे समुदाय के लिए कोई गलत चीज़ निकालें या कोई गलत चीज़ कहें या गलत कार्य करें तो वो बहुत ही गलत बात है और समाज के लिए और हमारे सारे समुदाय के लिए वो हानिकारक चीज़ है, उसका जो भी नुकसान होगा जो भी दुष्प्रभाव होगा वो हम पे हमारे परिवारों पे या हमारे बच्चों पे ही आएगा, आज नहीं कल वो चीज़ उस चीज़ से हम प्रभावित होंगे, लेकिन अगर हम किसी भी उसको लेके शांति व्यवस्था बनाए रहेंगे मिलजुल के रहेंगे जो भी समस्या आएगी उसको मिलजुल के निपटाएंगे तो एक अच्छा माहौल बनेगा और अच्छा हमारे समाज की उन्नति होगी और हमारे समाज का लाभ भी है, तो हम लोगों को धैर्य के साथ उस निर्णय को सुनना है और वो निर्णय चूँकि सुप्रीम कोर्ट दे रहा है तो विधिक रूप से वो निर्णय आएगा, उसमें ना किसी की हार होगी ना किसी की जीत, और जब हार जीत नहीं है तो वो किसी पक्ष के प्रति नहीं है, तो इसलिए ना तो किसी पक्ष को उसकी विधि बनानी है ना कोई शोक मनाना है, केवल निर्णय है, पहले भी निर्णय आते रहे बड़े बड़े मसलात में निर्णय दिए हैं सुप्रीम कोर्ट ने वो हम लोगों ने सामान्य रूप से ग्रहण किए हैं, तो ये निर्णय भी सामान्य रूप से ग्रहण करना है, बड़े बड़े वकील उसमें जो सुप्रीम कोर्ट के माने हुए वकील हैं उसमें उन्होंने दोनों पक्षों की या तीन पक्ष जितने पक्ष हैं सभी की पैरवी, हाई लेवल के वकील जो इंटरनेशनल कोर्ट में मुकदमे लड़ते हैं उनके द्वारा उसमें पैरवी की गई है, मेरे हिसाब से विधिक रूप से तो वो बिल्कुल एकदम आप एम स्वच्छ फैसला आना।